नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के थामपुर की, जहां आरएसएम महाविद्यालय में विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग द्वारा विश्व मृदा दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार ने की एवं संचालन डॉक्टर रवि धनकर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सेफ सॉइल पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर की गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर रवि धनकर ने कहा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा 2002 में किए गए प्रयास के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की। पहली बार विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया। थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल अतुल्यतेज के योगदान के कारण उनके जन्मदिन पर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के प्रभारी डॉक्टर चमन सिंह ने बताया कि हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सोइल वेयर फूड बिगिंस, ताकि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी विषय से संबंधित व्याख्यान दिए। खुशी गुप्ता ने आवश्यक पोषक तत्वों और उसके वर्गीकरण को समझाया। लक्षिता राजपूत ने उर्वरकों और उनका वर्गीकरण। श्रुति अग्रवाल ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। ललितेश यादव ने सोइल पॉल्यूशन और उससे हो रहे मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव और उसके निवारण के बारे में विस्तार से बताया। संस्कृत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम घई ने पृथ्वी अर्थात मृदा की उपयोगिता बताते हुए कहा कि मिट्टी को सहज कर रखने का उल्लेख वेदों पुराणों में मिलता है। मिट्टी की 1 इंच परत 1000 वर्ष में बनती है, इसीलिए मिट्टी के स्वास्थ्य व संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। कृषि अर्थशास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ओपी मॉडर ने मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी। कृषि संकाय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि मिट्टी का विनाश एक वैश्विक खतरा बनकर उभर रहा है। मिट्टी का विलुप्त होना मानव के लिए सबसे गंभीर खतरा है। हमारी धरती भोजन उगाने की अपनी क्षमता खो रही है। यूएनओ ने अनुमान लगाया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे पास खेती योग्य मिट्टी सिर्फ 60 साल के लिए ही बची है। जंतु विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अलका राय ने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखने के लिए शपथ दिलाई। प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार ने मृदा प्रदूषण और इससे होने वाले मानव जीवन पर हानिकारक प्रभाव तथा इसके बचाव के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी, डॉक्टर कौशिक प्रसाद, डॉक्टर गोपाल कृष्ण तिवारी, डॉक्टर देवेश पाठक, डॉक्टर विवेक यादव आदि ने भी अपने विचार रखे। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।